इन्फो गुरुदेव पेश करते हैं चंडीगढ़ में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। नंबर 10, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। दोस्तों, सेक्टर 23 के बाल भवन में स्थित इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम का संचालन इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना बच्चों के मनोरंजन के लिए की गई थी। इसमें गुड़िया और कठपुतलियों का दिलचस्प कनेक्शन है। नंबर 9, कांसल विलेज। दोस्तों, चंडीगढ़ के बाहरी क्षेत्र में स्थित कांसल एक छोटा सा गांव है जिसे पड़ोसी राज्य पंजाब से लीज पर लिया गया है। गांव के पास ही कांसल फॉरेस्ट नाम से एक विस्तृत नेचुरल रिजर्व है जहां लकड़भग्गा, चिकारा, नीलगाय, सियार और खरगोश सहित अनेक जानवर पाए जाते हैं। नंबर 8, टोपियारी पार्क। दोस्तों, जीव जंतुओं के आकार के अलग अलग पौधे तथा साड़ियों से निर्मित कृतियाँ इस टोपियारी पार्क के आकर्षण का केंद्र है। यह पार्क चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में स्थित है। दोस्तों, अगर आपके घूमने का मन है चंडीगढ़ का, तो आप टोपियारी पार्क जाना ना भूलें। यहाँ पर आपको हर तरह के जानवरों को चित्र मिलेंगे जो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब पेड़ पौधों की कटिंग के द्वारा जानवरों को या इंसानों को बनाया गया है। नंबर 7, गांधी भवन। दोस्तों, गांधी भवन चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में स्थित है। यह एक भव्य इमारत है। इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि यह शहर की सबसे फोटोजेनिक इमारत है। नंबर 6, चंडीगढ़ संग्रहालय। दोस्तों, चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित है। दोस्तों, यह एक बेहतरीन संग्रहालय है। इस संग्रहालय के पास में एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ पुराने और आधुनिक सामान की कला के उत्कृष्ट नमूने संग्रहित हैं। यह संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है। इसे देखने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहता है। नंबर 5, लेजर वैली। दोस्तों, लेजर वैली चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित है। यह एक बेहद खूबसूरत सैरगाह है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। दोस्तों, लेजर वैली के नाम की यह सैरगाह लंबी चौड़ी साफ सुथरी व मनोहारी सैरगाह है। इस वैली में कदम रखने के बाद पर्यटक यहाँ से जाने का मन तक नहीं करते हैं। और दोस्तों, यहाँ के हरे भरे बाग व फूलों से भरे रास्ते पर्यटकों को बहुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। नंबर 4, रोज गार्डन। दोस्तों, यह खूबसूरत गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में स्थित है। लगभग 30 एकड़ भूभाग में बनाया गया है। 1600 से भी अधिक किस्म के यहाँ गुलाब के फूल हैं। यह बाग एशिया का सबसे बड़ा गुलाब के फूलों का बाग है। यहाँ का सौंदर्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों, फरवरी के माह में यहाँ कई किस्म के गुलाब खिले रहते हैं। उस समय यहाँ रोज फेस्टिवल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान इस पार्क में खूब पर्यटक फोटोग्राफी करते हैं। इस बाग के मध्य में 70 फुट का एक फव्वारा भी है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। तो दोस्तों, रोज गार्डन चंडीगढ़ के दर्शनीय स्थलों में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्थल है। नंबर 3, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है। यहाँ एक ही क्षेत्र में सचिवालय, उच्च न्यायालय, ओपन हेड मॉन्यूमेंट आदि अनेक इमारतें हैं। इसकी बनावट और यहाँ के आसपास के वातावरण, साफ सफाई की व्यवस्था आपको किसी विदेशी शहर में होने का अनुभव प्रदान करती है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ के दर्शनीय स्थल की सैर पर आने वाले जो पर्यटक हैं, यहाँ पर जरूर आते हैं। नंबर 2, सुखना लेक। दोस्तों, यह झील चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है। यह झील शिवालिक पहाड़ की तलहटी में अप्राकृतिक रूप से बनाई गई है। इस झील में अनेक प्रकार की मछलियाँ भी हैं जिन्हें पकड़ने से पहले पर्यटन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इस झील में पर्यटक नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स तथा अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए भी यह एक उत्तम जगह है। नंबर 1, रॉक गार्डन। दोस्तों, यह चंडीगढ़ के दर्शनीय स्थलों में काफ़ी प्रसिद्ध है और एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ की सुंदरता सैलानियों का दिल जीत लेती है। यह अपनी किस्म का एक अनूठा गार्डन है। प्रसिद्ध कलाकार नेकचंद द्वारा इस गार्डन को बेकार तथा टूटी फूटी चीज़ों से बनाया गया था जो किसी भी कल्पना लोक से कम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।